अविना आपको सिल्वर मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक्स में और गोल्ड मेडल आपको मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आप काफी समय से कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाना चाह रही थी और टोक्यो पैरालंपिक्स तो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, तो कैसा मतलब कैसा फील कर रही हैं और आगे के लिए क्या तैयारी है? बहुत ही अच्छा फील हुआ कि मतलब जो भावना पटेल को कोई इतने टाइम तक कोई नहीं जानता था, इवन ये टेबल टेनिस का सिल्वर मेडल कोई मेडल गैलरी में भी नहीं था, मतलब सॉरी मेडल टैली में नहीं था। और मतलब हमेशा से एक ही चीज बोली जाती थी कि मतलब चाइना डोमिनेट करता है टेबल टेनिस में, तो टीटी में मेडल लाना इम्पॉसिबल है। और ये लोगों की जो सोच थी वो सही मायनों में मैंने मतलब उसको मतलब मैंने तोड़ा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाइनीज भी एक ह्यूमन बीन है, हम भी एक ह्यूमन बीन है, और हम जितना स्ट्रांग सोचेंगे उतनी स्ट्रांग चीजें हमारे साथ हो सकती है। तो ऐसी चीज होती ही नहीं है कि अगर वो डोमिनेट करते हैं तो वो ही जीतेंगे, हम भी उनको मतलब उनके सामने जीत सकते हैं। तो यस, एक्सपीरियंस टोक्यो का बहुत ही अच्छा रहा। वहां पर मुझे 103 बुखार था, उसके बाद भी मैं यहाँ तक पहुंच पाई थी। तो मेरे लिए मतलब वो प्राउड मोमेंट यही था कि मतलब मेरा बॉडी इतना मूवमेंट नहीं कर रहा था लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही चल रहा था, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो यस, और इन फ्यूचर भी अभी जो गोल तक पहुंचना बाकी है, जो 24 पैरालंपिक्स पेरिस में होने वाले हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मैं वो वहां तक मैं पहुंचू और अभी इससे भी और बेस्ट परफॉर्मेंस दू। शुरुआती समय में जब आपने बोला कि मैं टीटी खेलना चाहती हूँ टेबल टेनिस, तो थोड़े चैलेंजेस के बारे में बताइए आप। जी, चैलेंजेस तो मतलब बहुत ही रहे, जब से मतलब मेरा बॉर्न हुआ उसके बाद से मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। 1 साल की हुई, मुझे पोलियो हो गया और लाइफ माने स्टॉप ही हो गई, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए भी पेरेंट्स को उनके कंधों पर उठा के मुझे छोटे के लिए आना पड़ता था। कई बार मतलब जब बारिश का मौसम रहता था तब भी मतलब हमारे गांव में रोड पक्के नहीं है, तो उस टाइम मतलब वो जो कीचड़ हो जाता था, तो उस टाइम मतलब बहुत बार गिरे भी थे हम लोग, तो स्टडी भी मतलब कई बार घर से भी करनी पड़ती थी। ऐसे करके मतलब स्कूल टाइम खत्म किया, और उसके बाद पेरेंट्स ने सोचा कि तब मतलब अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आईटीआई का कोर्स करने के लिए पापा ने मतलब डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं कंप्यूटर सीख लूंगी तो एज अ क्लर्क मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो यही सोच के उन्होंने मुझे अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में रखा, और वहाँ पे मतलब 1 साल मैंने वो कोर्स किया। और उसके साथ साथ मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो टेबल टेनिस खेलते थे, और उनके साथ मैंने भी ऐसे ही एज अ फन स्टार्ट किया, और वो खेलना मेरे लिए मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा। मुझे इतना इतना होता था कि मतलब मैं पूरे दिन खेलती ही रहूं खेलती ही रहूं। ऐसे करते करते नेशनल चैंपियनशिप आई और उसमें फर्स्ट टाइम मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, और उसके बाद मुझे एक नई दिशा मिली। मुझे एक चीज समझ में आई कि नहीं, मैं ही दिव्यांग नहीं हूँ वहां पर, क्योंकि ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में मेरे जैसे मुझसे भी मतलब ज्यादा तकलीफ वाले वहां पे लोग थे, तो मुझे मेरी तकलीफ तब कम दिखी। और मैंने सोचा कि यस, यही टेबल टेनिस ही है जो मुझे अपनी लाइफ जीने का एक जरिया दे सकती है। हमें बताइए, वो एक दो लोग आपके कोचेस या फैमिली मेंबर्स, वो एक दो लोग कौन थे जिन्होंने बाधाएं आती नहीं लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ा, आपको हमेशा एनकरेज किया? ऑफ कोर्स जिनको मैं हमेशा से मतलब मेरा भगवान मानती हूँ वो मेरे पेरेंट्स है, और मेरे जो लाइफ पार्टनर जो मेरे हस्बैंड है निकुल पटेल, तो उन्होंने मतलब शादी के बाद मतलब मेरे ये ड्रीम को खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया और सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब सारी ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली और मुझे मेरा फोकस मतलब एक ही डायरेक्शन में दे दिया कि मतलब मुझे बस ये करके दिखाना है, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, तो उनके जो ड्रीम थे वो मेरे अंदर वो देख रहे थे, और मतलब उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट जो सिस्टम है मतलब जो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया,
और जो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया वो मतलब अनबिलीवेबल था. मतलब मैं ये बोलूं कि ये सपोर्ट की वजह से, ये फैमिली सपोर्ट जो मुझे मेरे बैकबोन रहे हैं, जिनकी वजह से ये मेडल के लिए मुझे ट्रेनिंग करना इजी हुआ है. और मैं खास करके ये चीज बताना चाहूंगी कि मतलब गवर्नमेंट ने भी मुझे सपोर्ट किया कि जब मेरे पास मतलब टेबल था लेकिन रोबोट नहीं था, तो रोबोट भी मुझे उनसे प्रोवाइड हुआ था. और मतलब जब क्वालिफाई में हो गई उसके बाद मैं टॉप्स के स्कीम में भी आ गई और तब मुझे रोबोट प्रोवाइड हुआ था. और जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीजें इजी हो गई क्योंकि वो रोबोट जो था वो एडवांस लेवल का था और वो उसमें इतने सारे वेरिएशन थे जिसकी वजह से मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के बॉल्स को समझ पाई और उसके ऊपर और अच्छी ट्रेनिंग कर पाई. हमने देखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ज्यादा एथलीट्स को एनकरेज करते हैं. वो मेडल का कलर नहीं देखते हैं कि वो सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या गोल्ड है, और ना कि वो ये देखते हैं कि एथलीट मेडल लाया है नहीं लाया है. बताइए कि एज एन एथलीट कितनी और प्रेरणा मिलती है जब आपका देश का प्राइम मिनिस्टर इतना सपोर्ट करे. बिल्कुल, मतलब मैं ये ऐसे बोलूं कि हमारे इंडिया के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है, हमारे इंडिया के ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि हमारे बैकबोन है, हमारे मतलब वो आयरन मैन है कि मतलब एथलीट को उनके आने के बाद जो स्पोर्ट्स को जो सपोर्ट मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो सही मायनों में मतलब सराहनीय है. क्योंकि उनके आने के बाद जो स्पोर्ट्स डेवलप हो रहा है, जो एकेडमीज बन रही है, जिस तरह से मतलब सबको सपोर्ट किया जा रहा है, पैरा खिलाड़ियों के लिए भी सोचा जा रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड भी मिला दिया जा रहा है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. और वहां पर मेडल आने के बाद भी जब बात करते हैं तो अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एथलीट के लिए इतना टाइम निकाल के इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं. तो डेफिनेटली मतलब बहुत सारे एथलीट तो ऐसे भी है कि उनसे बात करने के लिए मेडल जीतना चाहते हैं. तो ये मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है और खास करके जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को, वो मतलब एक अलग ही लेवल पे होता है. उनके लिए कभी भी मतलब मेडल का कलर क्या है वो नहीं होता है. वो हमेशा यही बोलते हैं कि अपना बेस्ट ट्राई करो, और जब बेस्ट ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली सारी चीजें अच्छी ही होती है, मेडल का कलर भी अच्छा ही होता है. तो यस, मतलब उनके लिए तो मैं हमेशा से सल्यूट करती हूँ क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही मतलब हम सबको ही सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से और मेडल्स आए, हमारे इंडिया का नाम मतलब हमेशा ऊपर ही रहे. आप जहां पे भी ट्रेन करती होंगी वहां पे युवा लड़कियां आती होंगी जो आपसे टेबल टेनिस सीखना चाहती होंगी, तो आपका क्या संदेश है मतलब देश की ऐसी और बेटियों के लिए जो न सिर्फ टेबल टेनिस बल्कि किसी भी स्पोर्ट को परस्यू करना चाहती है और भारत के लिए तिरंगा लहराना चाहते. उनको मैं हमेशा मतलब एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी परमानेंट नहीं होती है, वो आके चली जाती है, लेकिन उसके बाद मतलब आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है. तो कभी गिव अप मत कीजिए, उनसे लड़िए, और प्रॉब्लम्स का सामना करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस जो आप सीखोगे और उसकी वजह से जो आप मतलब जो आपका वो लर्निंग पॉइंट होगा ना, वो लाइफ में कभी आप नहीं भूलोगे, और वही चीजें हैं जो आपको आगे तक लेके जाएगी. पूरे देश को आप जैसे खिलाड़ियों पे गर्व है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह भारत का तिरंगा लहराती रहेंगी और आगे आने वाले सभी इवेंट्स के लिए आपको शुभकामनाएं. Thank you so much.